जनपद में बुधवार से बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण किया जाएगा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बुधवार से बीएलओ के द्वारा घर घर तक मतदाता पर्ची का वितरण किया जाएगा, जिससे कि सभी नागरिक जनपद में 3 मार्च को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़कर भाग ले। अगर बीएलओ द्वारा गाँव के व्यक्तियों से संपर्क स्थापित नहीं किया गया है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वही इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में 9 विधानसभाएं तथा 3 मार्च को मतदान होना है, जिसके लिए मतदाता पर्ची प्राप्त हो गई है तथा कल से बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया है कि मतदाता पर्ची वितरण में बीएलओ लापरवाही ना करें, नहीं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और बीएलओ प्रशासन से कोई भी बात छुपाए नहीं। अगर उनके द्वारा मतदाता पर्ची का वितरण नहीं किया गया तो अपने सुपरवाइजर व आरओ को जरूर बता दें, उनके सहयोग के लिए संबंधित अधिकारी को भेजा जाएगा। यदि कोई बात बीएलओ छुपाता है तो उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कराया जा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, बांटने का है जो आज से शुरू हो जाएगा। अलग अलग जो हमारी विधानसभाएं हैं उसमें वो पर्चियां पहुंचा दी गई है। आज से कुछ विधानसभा में शुरू हो जाएगा, बाकी कल से हो जाएगा। आरओज ने ये कंफर्म कर दिया है और पर्ची जो हमारे वोटर है हर घर पहुंचाई जाएगी। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में कुल 9 विधानसभाएं हैं और आगामी 3 मार्च को मतदान होना है। मतदाता पर्चियाँ हमें प्राप्त हो गई हैं, कल से इनका वितरण प्रारंभ होगा। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि बीएलओ इसमें कतई लापरवाही ना करे और बीएलओ साहबान से मेरा यह अनुरोध है कि वो इसमें कोई चीज़ छुपाएं नहीं। यदि जितनी मतदाता पर्ची उनकी वितरित नहीं हो पा रही है तो अपने सुपरवाइज़र को, अपने SDM साहब को या अपने RO साहब को ज़रूर बता दें, हम उनके सहयोग के लिए सदा तत्पर हैं। और यदि वो अपने मतदाताओं को नहीं ढूंढ पा रहे हैं हम उनके साथ कोई ना कोई अतिरिक्त कर्मी लगा देंगे। परंतु मेरा अनुरोध है, निर्देश भी है कि यदि BLO यह छुपाता है कि उसने मतदाता पर्ची बांट दी और वास्तव में नहीं बांटी है तो BLO के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी और उसके विरुद्ध FIR भी कराई जा सकती है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, डिप्टी DO बोल रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मतदाता पर्ची का वितरण, उनका प्राप्त होना हमारे मतदान प्रतिशत को बढ़ाता है। जिलाधिकारी महोदय ने सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को निर्देशित किया गया है कि मतदाता पर्ची का वितरण एक उत्सव की तरह मनाएं। ऐसे लोगों को जो दूर दराज हैं, ऐसे लोग जो वृद्ध हैं, ऐसे लोग जो महत्वपूर्ण हैं, ऐसे लोग जो समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, वहाँ तक स्वयं की उपस्थिति में, स्वयं की मॉनिटरिंग में, स्वयं के इफ़ेक्टिव सर्विलांस में मतदाता पर्ची का वितरण कराएं। मतदाता पर्ची का वितरण यदि अच्छे से सुनिश्चित हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। हाँ, माननीय आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदाताओं को घर तक हमारे BLO द्वारा मतदाता पर्ची, वोटर स्लिप पहुंचाई जा रही है, ताकि उनको हम लोग उनके भाग संख्या, वहाँ उनका उसका लोकेशन और अन्य सूचनाएं प्राप्त करा सके, उनको प्रेरित कर सके कि उनका मतदान अधिकार का प्रयोग ज़रूर करें, 3 तारीख के महापर्व में ज़रूर प्रतिभाग करें। अगर किसी कारणवश BLO द्वारा उनसे संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका है तो हम गांव के पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत के अन्य कर्मचारीगण सभी के माध्यम से उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और शत प्रतिशत हमारा लक्ष्य है कि इस बार सभी को मतदाता पर्ची का वितरण सुनिश्चित करा सकें और उनके साथ संपर्क स्थापित करके उनको मतदान लाने के लिए, हम लोग मतदान के लिए, मतदान केंद्र पर आने के लिए प्रेरित ज़रूर करें कि सभी लोग अपना मतदान पर्ची प्राप्त करें, उसको 3 तारीख तक सुरक्षित रखें और 3 तारीख को कितनी भी व्यस्तता हो, कोई भी और बात हो, मतदान करने से ना छूटें और हमारे जनपद को गौरवान्वित करें।